मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पुलिस ने, हैदराबाद की पुलिस ने आज एक नजीर पेश की है। जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया था, जिस तरह से आज पुलिस के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की, पत्थर मारा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पुलिस की दरिया दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बार मैं एनआई चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। पुलिस ने एक नज़ीर पेश की है कि जिस तरह से वो क्रिमिनलों का मन बढ़ा हुआ है, आज इसी तरह सजा की ज़रूरत है। जो मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, कोर्ट कोर्ट के धक्के खा रही हूँ, आज भी मैं लोअर कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ कि उनको फांसी दीजिए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि उनका ह्यूमन राइट है, हम फांसी नहीं दे सकते। तो आज ये कोर्ट को, सरकार को, दिल्ली पुलिस को, सबको देखना चाहिए कि आज हैदराबाद के पुलिस ने क्या नज़ीर पेश किया है। तो मेरा अपने न्याय व्यवस्था से, अपने सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निर्भया मुजरिमों को फांसी दें और एक समाज में नज़ीर पेश करें कि नई बच्चियों के साथ होगा कुछ, जिस तरह से क्राइम तोड़ के वो क्राइम करेंगे उसी तरह से उनको सजा मिलेगी। मैम, इन 7 सालों में क्या बदलाव देखा आपने, क्या बदलाव हुआ, जिस तरह से हुआ, आज के दिन कैसे देखते हैं आप 7 सालों? देखिए, मैं इन 7 सालों में, मैं आज भी 2012 में खड़ी हूँ, हाथ जोड़ के कोर्ट में खड़ी हूँ, किसी रोड पे खड़ी हूँ, किसी मंत्री के घर में खड़ी हूँ कि मुझे इंसाफ दीजिए। लेकिन मैं आज जरूर कहना चाहूंगी कि हैदराबाद में जरूर कुछ बदला है। जो पुलिस ने किया है आज जरूर कुछ बदला है। जो उनको इस तरह से 10 दिन के अंदर सजा मिल गई, भगवान ने भी साथ दिया है उस परिवार का, उस परिवार को संघर्ष। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं चैनल के माध्यम से बोली थी कि उनको हमारे तरह संघर्ष ना करना पड़े, आज वो बात सच हो गई। उनको 10 दिन में इंसाफ मिल गया, उनके बच्ची को इंसाफ मिल गया। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी क्राइम हुए हैं, हैदराबाद में हुआ, उन्नाव में हुआ है, बक्सर में हुआ है, नालंदा में हुआ है और निर्भया के साथ हुआ है, सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी मिले। समाज में सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, एक समाज में नज़ीर पेश करे। आज वो समय आ गया है कि बच्चियों के क्राइम के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, उनको इंसाफ दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस काउंटर से हुआ जो है, इनका जो दरिंदों का इनकाउंटर हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि हम जिस तकलीफ में गुजर रहे, आज भी देख रहा हूँ कि हमारी केस को 7 साल हो गए, लेकिन वो दरिंदे आज भी जिंदा हैं और हम रोज मरते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तब उनके वकीलों का सामना होता है, कुछ ना कुछ ऐसे वो शब्द बोलते हैं जैसे हम लोग को तकलीफ हो। तो हम जो तकलीफ़ झेल रहे हैं, कम से कम वो परिवार तो तकलीफ़ नहीं झेलेगा, उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी जिंदा है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा पूरे अपने देश से कि भाई, कोई भी व्यक्ति अगर जो समझदार होगा, सामाजिक होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है और पुलिस पे कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा। हमारे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। कोई भी हो सकता है कि लोग, हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन
पुलिस ने वही काम किया है उस समय का सिचुएशन को देखते हुए कि उनको भागने में वो सफल हो जाते तो आज पुलिस पे इतना छींटाकशी होती, इतना उनका मतलब बुरा हाल होता कि समाज समझ नहीं पाता, पुलिस समझ नहीं पाती, कानून व्यवस्था भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने जो समय की नज़ाकत को देखते हुए किया है बहुत अच्छा किया।